करने जा रहे हैं वो है बहुत ही ज्यादा इंटरनेशनल। आज हम दुनिया भर से अमेजिंग अमेजिंग वर्ल्ड क्लास कुजीन करने वाले हैं ट्राई। तो गाइस इस पूरी दुनिया पे, इस धरती पे है 195 कंट्रीज। वाह मेरे ज्ञानी, गूगल किया। और उन कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज को हमने उतार लिया है पर्ची पे, एक एक करके हम पर्ची निकालते जाएंगे और उस कंट्री की वर्ल्ड फेमस डिशेस हम करेंगे ट्राई। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस बजट लो होने की वजह से हम उन कंट्रीज में स्वयं जाके वो चीजें ट्राई नहीं कर पाएंगे। फिर हमें पता नहीं था कि आप इतने गरीब हैं। ज्यादा वेस्ट करते करते वीडियो को शुरू। ओंकार नहीं चलाने देता है मुझे कभी अपनी मर्जी। वाह पर्ची, रुको भाई, सब्सक्राइबर ऑफ द वीक तो बताने दो कौन है। इस वीक के सब्सक्राइबर्स ऑफ द वीक है स्वाति, जैस्मिन, संतोष एंड बोले देख के बोल ले, कोई बात नहीं, कई बार बंदा भूल जाता है नाम। चिराग भाई कांग्रेचुलेशन। और इस वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है कि आपका फूड कौन सा फेवरेट है, मतलब कौन सी कंट्री का फूड आपको लगता है बेस्ट। और मैं गारंटी दे रहा हूं इस बार जो कमेंट सेक्शन ना इंडिया में भर जाएगा। लिख दो जल्दी इंडिया और वीडियो को लाइक कर दो यार। इन पेन सेफ्टी पेन, इन पेन आउट, मुक्ति हो जा तुम इस शो से, गेट आउट। जो पर्ची आई है वो है फ्रॉम द कंट्री कैनेडा। मुक्ति नहीं दिन दी है मेनू जीन, मुक्ति नहीं देती है मुझे जीन, क्योंकि नहीं बन रहा है मेरा कोई रूटीन। और कनेडियन चीज जो मैं ऑर्डर देने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रोटीन। भाई यहाँ पे ना मैं ऑर्डर देने आया हूँ प्रोटीन का, खुद पहली बार ही सुन रहे हैं ये कर दो ना वेज। करने के लिए हूँ मैं बहुत ही ज्यादा कीन, क्योंकि नाम है इसका प्रोटीन। वाह वाह कितनी शायरियां मार दी। मैंने तो आज शायरियों की रेल लगा दी थी। आपको लग रहा है कि हम ट्राइंग फूड फ्रॉम द वर्ल्ड कर रहे हैं या फिर शायरी कॉम्पिटिशन? देखो देवी ने तो प्रोटीन मीठा होता है या नमकीन होता है मुझे भी नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैंने फुकरी मार दी ना, मैं कनाडा में जाके प्रोटीन खा के आया हुआ, मुझे एक्चुअल टेस्ट का पता है। मुफ्त का शरबत पीने आए तो जी, होती है फ्रेंच फ्राइज ही है, उसके ऊपर डाली होती है इन्होंने खूब सारी चीज जिसका नाम वैसे तो असूलन होना चाहिए चीजी फ्राइज। और ये साथ में क्या देखो, खोल के खोलो, देखो चीज की थोड़ी सी कमी थी तो इन्होंने अलग से ये चीज दे दी है, जो कि नहीं पनीर है, ये हैंड कर्ड है, अच्छा लग रहा है। फ्रेंच फ्राइज लोग टोमेटो केचप के साथ खाते हैं, ओरिगैनो के साथ खाते हैं, चिली सॉस के साथ खाते हैं, पर आज हम दही के साथ खाएंगे। यार ये परांठे के साथ अच्छा लगेगा। सो क्या जोक बना था, करना पड़ता है। अगली जो चीज है वो है आगे तुम्हारी लाल चटनी। ओए दिस इज नॉट टोमेटो केचप, दिस इज सालसा भाई, नेचोस के साथ हमने खाई होगी, बट आज फ्राइज के साथ। बात तो सही है यार, नेचोस के साथ तो कॉम्बिनेशन इसका समझ में आता है, इसके साथ फ्राइज के साथ। आप किसके साथ खाना पसंद करोगे? मैं अपने हाथों से खाना पसंद करूंगी। पहले नॉर्मल चीयर्स। तो फ्रेंच फ्राइज का लवर है आदित्य गौतम, और ये स्वाद बहुत है अच्छी चीज है, कि बहुत क्रीमी है। और जो ये हमने लिया है, ये लिया है ₹350 का, अच्छी चीज है। तो भाई साहब अब बारी आ गई है मुक्ति तेरे चूज करने की। चल भाई इटली। वैसे ना इटली का खाना इंडिया में बहुत जगह मिलता है अलग अलग, और बहुत तरह का भी मिलता है। हम ना थोड़ी ऑथेंटिक जगह चलते हैं इटालियन, और वहां जाके कुछ इटालियन खाते हैं। नेपोलियन पिज़्ज़ा होता है। मैम आपका नेपोलियन पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। थैंक यू सो मच। हम लेके आए हैं आपके लिए इटली से ड्रैक्योसा वाला वुड फायर अवन पिज्जा। मतलब ये बेसिकली ऑथेंटिक पिज्जा है, जो हम दूसरे पिज्जा खाते हैं ना स्वाद में, yes. वो असली पिज्जा नहीं है भाई, वो ये है इंडियन वर्जन है पिज्जा का। हाँ। ये इतना ऑथेंटिक है कि इसमें बैंगन भी डाला हुआ है। देख रही है बात, मूड खराब हो गया बैंगन सुनते ही। इसमें बैंगन भी नहीं यार, स्वाद भी लग सकता है मुक्ति यार। हाँ यू नेवर नो। इसमें डले हैं बेबी टमाटोज, बैंगन एंड बहुत सारा चीज। चीयर्स।
स्वाद है, बैंगन अच्छा लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ अगर बैंगन मुझे इस फॉर्म में खाने को मिले ना, मैं हर दिन बैंगन खाता हूँ। नहीं, मुझे तो बैंगन का भरता वैसे ही पसंद है, और इसमें स्वाद ही नहीं आ रहा बैंगन वाला। मजा आ गया खाने, मजा आ गया। और मैं ये जो मजा है, तू चुप ना यार, तू चुप ना, काय को बोलता है तू। पर एक चीज देखी जाए ना, तंदूरी रोटी में और इस पिज्जा में ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ, ये बेसिकली ये इंटरनेशनल है तो इसकी इज्जत ज्यादा है। हाँ, बस बेसिकली ये तंदूरी रोटी के ऊपर ना आपने टॉपिंग करी हुई है, बट इटली में भी ऐसी बनाते हैं। जो हर एक चीज को इंडियन चीजों के साथ कंपेयर कर देते हैं। इससे पहले की अदालत किसी नतीजे पे पहुंचे, मैं अपने पास मौजूद इस सबूत को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। यार ये परांठे के साथ अच्छा लगेगा, यार ये परांठे के साथ अच्छा लगेगा। सो क्या जोक बना। वुमेन, वेल डन। अगली इटालियन चीज जो हम खाने लगे हैं वो है तिरामिसू, और इन्होंने पूरी ऊपर स्माइली बना के दी हुई है कि खुशी खुशी खाओ। यार कॉकटेल के ग्लास में ना मीठी मतलब स्वीट डिश मैंने पहली बार देखी nice है, और काफी प्रेजेंटेशन अच्छी है। इसको एक बार खा के देखते हैं। मुक्ति, तेरे को क्या लगता है किस चीज का बनता है ये? यार इतना तो नहीं मुझे पता, मुझे लगता है कॉफी होगी इसमें, कॉफी वाला फ्लेवर होता है इसमें। मैंने पहले खाया तिरामिसू। नॉट बैड, नॉट सो गुड। जिनको बहुत तेज मीठा पसंद है ना डेजर्ट्स में, उनको इतना नहीं अच्छा लगेगा। पर जिसको कॉफी का फ्लेवर अच्छा लगता है उनके लिए बहुत अच्छा है। बेसिकली कॉफी लवर्स के लिए ये परफेक्ट अच्छा है। बट अगर मैं इसका कंपैरिजन इंडियन डिशेस के साथ करूं, क्योंकि अल्टीमेटली कोई जोड़ तो इंडियन इंडियन चीजों के साथ कंपेयर कर सकते हैं। मुक्ति ने करा दिया मेरे बहुत ज्यादा खर्चे, अब मैंने पकड़ लिया बहुत सारे पर्चे, निकाल इसमें से एक पर्चा। ये तुम्हारी शायरी थी? इतनी गंदी शायरी मारी है। खर्चे बहुत हो चुके हुए, मेरी फीलिंग जो है वो समझो, शायरी ना देखो। 1 2 3 मेक्सिको, आजा मेक्सिको, चलिए आजा मेक्सिको। मैक्सिकन खाने की बेस्ट बात पता क्या है? ये रिजेंबल करता है इंडियन खाने से बहुत ज्यादा, बट इनके मसाले थोड़े से कम होते हैं। तो जल्दी चलते हैं। और मैक्सिकन खाना नहीं रिजेंबल करता, बंदे भी रिजेंबल करते हैं, अपने जैसे ही लगते हैं। कई बार तो वहाँ की लड़कियों मुझे लगता है इंडियन है, बाद में पता लगता है ओहो मामा भी है, ये तो मैक्सिकन है। देख रहा कैसी गंदी गंदी बातें करता है आदमी। अरे खड़ा खाए, ओंकार का बड़ा ध्यान जा रहा है दूसरी मैक्सिकन लड़कियों पे। ये फंस गया, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। दीदी शादी से पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब तो से मेरी घरवाली जो बीवी है ना, बोलना नहीं चाह रही इसे, अपनी मेरी सारी मेक्सिको डिजायर्स फेल हो गई हुई है अब। बस हवा निकल गई। भैया एक मैक्सिकन राजमा चावल करते हैं। सच्ची में राजमा चावल ही खाएगा है? कुछ ऐसी चीज दिखा जो आज तक मतलब दर्शकों ने देखी ना हो। अच्छा भैया ऐसी आइटम बताओ जो मतलब सुनी ना हो, मैक्सिकन वालों ने भी ना सुनी हो। ऐसा तो मैक्सिकन राजमा चावल को क्या बोलते हैं भैया मेक्सिको? बरीटो बाउल। अच्छा बरीटो बोल राजमा चावल का। आपको जरा मेक्सिकन डिशेस के नाम हम बताते हैं। वो रंग वाले चावल उसको बोलते हैं मेक्सिकन राइस, ये आलू के पकौड़े इसको बोलते क्या भैया? कौन से थे? ये पटेटो। अच्छा पटेटो बोलते हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये क्या है? सर पनीर। अच्छा पनीर, चिकन, ये भी चिकन, उबले हुए अंडे। हाँ टोफू डाल दीजिए भैया। ये देख के मेरा अंग अंग भड़का, वाह कि राजमा में नहीं लगा है तड़का। क्या बात है। आदि पहले मुझे ये बता, मुर्गी पहले आया या अंडा? मुर्गी। मुर्गी पहले, चलो इस लिस्ट का आंसर। अब मुझे ये बता, ये बरीटो बाउल पहले आए या राजमा चावल पहले आए? राजमा चावल। भाई वेरी गुड। अब आपको मैं बताता हूँ, ये लिटरली राजमा चावल है, प्रेजेंटेशन कर दी हुई है चेंज। ऊपर डाल दिया इन्होंने नमकीन, साथ में बहुत ज्यादा सब्जियां, और चावल में डाल दिया इन्होंने रंग। अब आदि गौतम जी जरा इसको खाइए और बताइए राजमा चावल कैसे है। कैसा है? स्वाद है। तड़का डाला है? नहीं तड़का तो नहीं डाला, बट स्वाद लग रहा है। इन्होंने ना इसके अंदर सावर क्रीम डाली है जो कि सच्ची में बड़ी स्वाद लग रही है। ओ भाई सारे राजमा तुम ही खा जाओगे, मैं क्या खाऊंगा। स्वाद है ना, और वो नाचोस भी डाले हैं तो वो क्रिस्पी बन भी आ रहा है इसके अंदर। भाई कभी ना घर पे राजमा चावल के साथ आप ये ऊपर लटरम पटरम डाल दो और खाना, सच्ची में स्वाद लगे। ये है जी मैक्सिकन परोठा। अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम एक मैक्सिकन आया था इंडिया में, उसका एक इंडियन दोस्त था। वो गए एक दुकान पे खाने परोठा, कोई नॉर्मल परोठा नहीं, चीज परोठा। वो इंडियन ने उस दुकानदार को बोला चीज परोठा कैसे दिया। अच्छा उसने उसका नाम चोरी कर लिया, कैसे दिया को इसने नाम रख दिया कैसे दिया। अरे बाप रे, वाह वाह भाई, सच्ची में यही हुआ है। ओंकार की ये देखो, इसका नाम है कैसे दिया और एल साइलेंट है इसमें। इसके अंदर इन्होंने स्टफिंग कर दी है सेम परौंठे वाला इस तामझाम है। इनका परौंठा थोड़ा मैदे का बना हुआ है, हमारा आटे का होता है। सही बात। अब जरा खाते हो दिखाते हैं।
स्वाद स्वाद है सच्ची में। मुंह तो ऐसा बनाया था जैसे बिल्कुल स्वाद नहीं है। ये क्रंची फैक्टर दे रही है, वो क्रंची के साथ फीलिंग आए हाय हाय मजे ही आ गए। एंड गल बात हुई पड़ी आज। ओ आ ई ई ओ आ ई ई अब टाइम आ चुका है निकालने का ओंकार का पर्ची। मेरा मन ही नहीं कर रहा, निकाल लूंगा मैं जल्दी से अपनी पर्ची। क्या हो गया? रोटी के साथ अच्छा लगता है अचार, आ गया मेरा म्यांमार। ये अच्छी जारी थी वैसे। थैंक यू। आज हम ऐसी ऐसी कंट्रीज के खाने खा रहे हैं जो आज से पहले हमने नहीं खाए हैं, बट मुझे लगता है रेस्टोरेंट वालों ने भी नहीं खाया है क्योंकि उनको उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं पता है। यहाँ पे थाई खाने के अंदर लिखा हुआ है बर्मीज खाउसे सूप। थाईलैंड अलग कंट्री है, बर्मा अलग कंट्री है, अब उसे म्यांमार कहा जाता है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। पता नहीं कैसा बनाएंगे पर ट्राई करते हैं। हम जज भी नहीं कर सकते, ओरिजिनल तो खाया नहीं ना कभी। बस गाइस इसी बात पे ना वीडियो को लाइक कर देना, क्या पता हमारे इतने सब्सक्राइबर हो जाए कि हम कभी उस कंट्री में जाके खाना खाएं। बस लाइक है क्या? सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना। बहुत हो गया ग्रीपड़ा ऑर्डर कर। हो रही है शाम, जा रही है धूप, खाएंगे अब हम खौसे सूप। ये हमने लिए चूमिन जो अलग से दिया इन्होंने, मतलब ऑप्शन थी कि राइस लोगे या चूमिन लोगे। हाँ, तो हमने नूडल्स ऑप्शन में। और ये वो है जी मेन ताम झाम जो है ग्रेवी, जिसके अंदर आना है फ्लेवर। आय हाय आय हाय हाय हाय, अगर कभी आपने वो थाई ग्रेवी खाई है ना, थाई करी तो सेम वेरी फ्रेग्रेंस सेंस अरोमा। लव थाई करी और मुझे थाई करी की खुशबू आ रही है। इसके ऊपर डालेंगे नहीं सूप है ना, मेरे कपड़े खराब करोगे तुम। ओ कोई बात नहीं, धुलवा देंगे। धुलवा देंगे नहीं, ऐसे बोलते हैं, नए धुलवा देंगे। हे गरीब पति के लिए चीयर्स तो करो यार, ये रिवाज भूल जाते, दूसरों को रिवाज याद कराते रहते। चीयर्स। ऐसा लग रहा है नूडल्स के साथ मैं थाई करी खा रहा हूँ, डिट्टो वही वाला फ्लेवर है। असल में दिस इज लाइक जैसे थुक्पा खाते हैं ना, वैसे वाली चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डाले होते हैं सूप के अंदर। इसका फ्लेवर थोड़ा सा थाई कोकोनट मिल्क से रिजेंबल करेगा, बिल्कुल ही वैसा है भाई। तो भाई साहब इतनी सारी कंट्रीज का खाना खा के हो गई है बहुत ही ज्यादा खर्ची। और आदित्य जब कुछ करता है तो मम्मी इसको मारती है जोर से कड़ची। निकाल ले पर्ची। बेल्जियम यार, ये ना कंट्रियां बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब आपको दिखाते हैं अगली बेल्जियम की एक शायरी मेरी तरफ से भी। खाना खाया है आज हमने बहुत ही ज्यादा यम यम यम। वाह, कंट्री है इसकी बेल्जियम। यम यम, क्या बात है। तो भाई साहब हमें लगता था इस दुकान का नाम बेल्जियन वॉफल ऐसी रख दिया हुआ मजे मजे में, बट थोड़ी रिसर्च करने के बाद हमें पता लगा है कि बेल्जियम का ही है भाई वॉफल। लेते हैं और एक बढ़िया सा वॉफल कराते हैं न्यूटेला मार्केट। भाई साहब वॉफल देख के जिसके मुंह में पानी नहीं आता ना, उसको स्वाद का ही नहीं पता भाई। मेरा तो बहुत मन ललचाता है। मेरे को तो वैसे मीठी चीजें बहुत अच्छी लगती है। सही बात है। क्या क्या मैं खाऊंगा भाई प्लीज। गर्मा गर्म वॉफल खाने का मजा भी अलग है। हमने ज्यादा तामझाम नहीं करवाया, हमने नॉर्मल वॉफल विद न्यूटेला करवाया है। ज्यादा कुछ नहीं, आइसक्रीम आइसक्रीम नहीं डलवाई। मुक्ति कैसा लग रहा है? सिंपल वॉफल ना मैंने कुछ साल पहले ही खाया था और तब से मेरी वन ऑफ द फेवरेट डेजर्ट्स हो गया है। आज मुझे ये पता लगा कि ये बेल्जियम का है, तो चलो बढ़िया बात है। ये पहली बार पता चला कि ये बेल्जियम का, जो कि जान के और भी खुशी हो रही है। हम बता सकते हैं बेल्जियम फूड खाने जा रहे हैं। अपना जी मैं एक ऑस्कर लेवल की शायरी मार रहा हूँ, गौर प्रभाव ठीक है। क्यों जाते हो जू? वाह, क्यों जाते हो जू? देख लिया करो मुक्ति का मुंह। वाह, तेरे लिए अकली पर्ची। क्या मैं निकाल लूं? निकाल लूं, निकाल लूं। वैसे शायरी बुरी नहीं थी, बीच में अटक गया था लड़का। क्या है? ओहो क्या बात है। अगली चीज है नेपाल की। ओहो, और नेपाल से ना एक चीज दिमाग में जरूर आती है, सबके दिमाग में आती होगी, मोमोज। चलो भाई, जो चीज है ना मोमो, बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा स्वाद बनाते हैं, बट जो इसकी गलबात एंड गलबात कर देती है ना, वो है जी चटनी। भाई लाल चटनी चिट्टी चटनी का मिक्सचर है ये, जरा इसके अंदर डबो। सही बात है, मोमोज की ना चटनी अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल स्वाद हो जाता। तो छोटी बच्ची जल्दी में से इसमें से पर्ची निकालो, निकालो। कैपेचिनो विद बटर क्रिस्प।
ना आलू के पराठे बोलो सही लगता है, आलू पैटी बोलो सही लगता है। चाय के अंदर बिस्कुट डुबो के खाते हैं ना, तो बेसिकली क्रिसों को आप उठाओ और इसको डिप करो अपनी कॉफी में ऐसे करके एंड देन ईट इट। देखो ये जिसने कभी क्रिसों जिंदगी में नहीं खाया ना उसको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये एक पैटी है जिसके अंदर आलू की फीलिंग नहीं हुई हुई। अब इमेजिन करो एक पैटी को चाय में डुबो के आप खा रहे हो, कॉफ़ी के अंदर डुबो के खा रहे हो, वही वाली फीलिंग इसमें। एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ज़्यादा हाई थी, मजा नहीं आया, मतलब मुझे लगा मीठा होगा ये। वही हाल हुआ है शादी से पहले, मेरी भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी भुक्ति से, मजा नहीं आया। तो गाइस अब बची हमारी सिर्फ दो कंट्रीज, तो फटाफट अपनी अपनी पर्ची चूज करो। भाई साहब इंग्लैंड, ओह मेरी आ गई है सबकी पसंदीदार अमेरिका। तो गाइस आजकल बजा हुआ है बैंड ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड, तो थोड़ी सी इकोनॉमी बढ़ा देते हैं इनकी, इंग्लैंड की कोई बढ़िया सी चीज खिलाते हैं। बाल कटवाते हैं हम फ्रॉम नई और ले आया है ये वॉलनट पाई। देखो टेस्ट करते हैं, वैसे तो वॉलनट पाई मैंने बहुत खाई हुई है बट तो देखते हैं। मुझे एप्पल पाई ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको कौन सी पाई अच्छी लगती है, एप्पल पाई या वॉलनट पाई? स्वाद है टेस्टी तो है भाई, काफ़ी टेस्टी, देसी घी वाली पाई है। हाँ देसी घी का टेस्ट आ रहा है पूरा का पूरा। इस चीज़ को खा खा के अमेरिका ने लगवा लिए बहुत ज़्यादा रोग, वो अगली चीज होने वाली है मेरे ख्याल से हॉट डॉग। बिल्कुल सही, आपको मिलते हैं 2 रुपए। तो जी आ चुका है अपना गर्मा गर्म कुत्ता जोगी, दिखता है कुछ इस प्रकार का। इसीलिए बोलते हैं कि एक भाषा को दूसरी भाषा में एग्जैक्ट ट्रांसलेट कभी नहीं करना चाहिए, कुछ और ही बन जाता है। बनाने वाले ने चलो हॉट डॉग तो बना दिया पर नाम क्या सोच के रखा है, इसकी मेरे को बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। जस्टिस फॉर डॉग्स, तो इसको खाते हैं। नॉन वेज हमें नहीं मिला तो हमें वेज ही खाना पड़ेगा। एक्चुअल में हॉट डॉग जो है ना वो नॉन वेज होता है, बीच में उसके सॉसेज होता है, पर यहाँ पे इन्होंने इसकी थर्ड क्लास कॉपी मारी है जिसके अंदर ये तला हुआ क्या डाला समझ, कोई पैटी सी डाली हुई है। वैसे तो इंडिया में आपको ऐसे ही मिलेगा, इससे अच्छा तो नहीं मिलना। सर ओके है, मैं नहीं खा सकता ये भाई, मुंह लपेट दिया। वो एक बार नैपकिन ले प्लीज अंदर से। इंडिया में वेज हॉट डॉग खाने की बजाय बर्गर खा, और कहीं पे अगर आपको अच्छा हॉट डॉग मिलता है तो कमेंट करके बता दो, कभी हम भी ऑथेंटिक खा के देख ले। तो ये दुनिया भर की काफी चीजें हमने कर लिया ट्राई, पर अभी भी बहुत ज्यादा बची हुई है, तो ये वीडियो डिजर्व करती है पार्ट 2। तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले एक और पार्ट बनाने की। और देखा जाए आदित्य तुझे कौन सी कंट्री का खाना सबसे ज्यादा अच्छा लगा? मेरे को सबसे अच्छा लगा नेपाली, मोमोज बड़े पसंद है। बिल्कुल सही। तुझे? मेरे को बेस्ट लगा था वॉफल, लाइक दैट वाज बेस्ट थिंग। और मुझे बेस्ट लगा था कनेडियन पुटीन, भाई वो फ्राइज और वो चीज का जो मजा था ना, हाय एंड कल बात हो गई थी। आज की वीडियो यहीं पे करते हैं खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, फूडी वीक के नाम, और सब्सक्राइबर ऑफ द वीक का क्वेश्चन आंसर करना बिल्कुल मत भूलना। हां कौन सी कंट्री का खाना आपको बेस्ट लगता है, इंडिया ही लिखना है, पर कोई और अगर अच्छा लगता है तो लिख देना।